8 नवंबर 2016 रात के करीब 8 बजे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की। पीएम नरेंद्र मोदीज एड्रेस टू द नेशन ऑन डीमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 and ₹1000 करेंसी नोट्स। अब इस अनाउंसमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट्स को बैन करते हुए 500 और 2000 के नए नोट्स को इंट्रोड्यूस किया था। सरकार के डेटा के हिसाब से साल 2016 में भारत में सर्कुलेट हो रहे कुल कैश में से करीब 86% करेंसी 500 और 1000 के नोट में मौजूद थी, जिसमें से मैक्सिमम नोट या तो नकली थे या फिर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कहीं पर दर्ज ही नहीं थे, जिसे आम भाषा में आप काला धन भी कह सकते हैं। अब इसी काले धन और नकली नोट को एलिमिनेट करने के लिए भारत में नोटबंदी तो करी गई, ये सोचकर कि अगर वो लोग बड़े नोटों को बंद कर देंगे तो काला बाजारी करने वालों के लिए काला धन छुपाना मुश्किल हो जाएगा। पर अजीब बात ये थी कि 500 और 1000 के बड़े नोट बंद करने के बाद सरकार ने उससे भी बड़ा 2000 का नोट लॉन्च कर दिया, जिससे उनकी खुद की ही बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब देखो, एक तरफ सरकार कह रही है कि 1000 के नोट को बंद करके काला धन रखने में लोगों को समस्या होगी, पर वहीं इससे निपटने के लिए उन्होंने 2000 का नोट इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे टेक्निकली ब्लैक मनी की स्टोरेज कैपेसिटी तो डबल हो जाएगी, क्योंकि जिस बंदे को 1,00,000 रुपए छुपाने के लिए पहले 100 नोट लगते थे, अब तो उसे सिर्फ 50 नोटों की ही जरूरत पड़ेगी। अब ये फैसला सबको इतना डंब लग रहा था कि बीजेपी के खुद के एमपी मिस्टर सुशील कुमार मोदी जी ने संसद भवन के अंदर 2000 के नोट के इंट्रोडक्शन को इलॉजिकल बोल दिया था। 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन क्या ये सच में इलॉजिकल था? बेलिनी की तरह कुछ लोग जहां सरकार के इस फैसले को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग सिर्फ नोट की डिजाइन पर ही ऑफेंड हुए जा रहे थे। अब यहां पर लोगों के लाइन में लग लग कर धूप में बैंड बज रही थी, और कुछ लोग डिजाइन में कमियां ढूंढ रहे थे। अब देखो, जैसे तैसे मगजमारी करके आम आदमी ने लंबी लंबी लाइनों में लगते हुए अपने पुराने नोट एक्सचेंज करवाए और ढेर सारी तकलीफें झेली। मगर 19 मई 2023 की शाम आरबीआई ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया और डिक्लेयर किया कि वे लोग 2000 के नोट को मार्केट सर्कुलेशन से विड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं। अब ये खबर सुनते ही लोगों के बीच में खलबली मच गई और लोग इसे नोट बंदी की तरह ट्रीट करने लगे। कुछ लोग तो व्हाट्सएप पर फेक न्यूज भी फैलाने लगे कि जिनके पास 2000 के नोट पकड़े जाएंगे उनको जेल हो जाएगी। पर क्या ऐसा सच में हो रहा है? क्या सच में आरबीआई 2000 के नोटों की नोटबंदी करने वाली है? वेल, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ा झूठ है, और आज का ये वीडियो आपको उन सबको दिखाना चाहिए जिसे आप फेक न्यूज की आग में जलने से बचाना चाहते हैं। और सच क्या है इसको जानने के लिए हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। अब देखो दोस्तों, इस खबर ने भले ही आप लोगों को आज शॉक दे दिया है, बट सच्चाई तो ये है कि सरकार इस बात का अंदेशा बहुत महीनों पहले से ही दे चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल, 16 मार्च 2021 के दिन इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश किए गए इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें पीटीआई की एक रिपोर्ट को कोट करते हुए ये डिटेल प्रेजेंट की गई थी कि पिछले 2 सालों में रिजर्व बैंक ने 2000 का एक भी नया नोट नहीं छापा है। अब अपने रिटर्न रिप्लाई में फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि 30 मार्च 2018 के दिन 2000 के 3,362 मिलियन यानी करीब 330 करोड़ से ज्यादा 2000 के नोट मार्केट में घूम रहे थे, जबकि अगले 3 साल के अंदर ही ये आंकड़ा 250 करोड़ से भी नीचे आ गया था। अब इसका सीधा सा मतलब ये था कि सरकार जनता द्वारा डिपॉजिट किए गए 2000 के नोट को सिर्फ डिपॉजिट कर रही थी, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने 2018 में ही कम कर दिया था। अब इससे ज्यादा हैरानी वाला आंकड़ा तो अगली रिपोर्ट में सामने आया, जब ये पता चला कि साल 2016 से 2017 के फाइनेंशियल ईयर में लोगों को पैसों की कमी ना पड़े, इसीलिए उस साल तो 3,542.991 मिलियन 2000 के नोट प्रिंट किए गए थे। मगर सिर्फ एक साल बाद यानी साल 2017 से 18 में ही प्रिंट किए गए 2000 के नोटों की संख्या ड्रास्टिकली गिराकर 111.507 मिलियन कर दी गई, और उसके अगले साल 2018 से 19 के बीच में 46.690 मिलियन 2000 के नोटों के आखिरी लॉट को छापने के बाद 31 मार्च 2019 से लेकर आज तक भारत सरकार द्वारा 2000 का एक भी नया नोट नहीं छापा गया।
और यही कारण है कि आज की डेट में आपको एटीएम से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस तक की मेजर कैश ट्रांजेक्शंस में भी 2000 के नोट मानो दिखते ही नहीं है। बट ऐसे में सवाल ये आता है कि जब सरकार को ये नोट छापने ही नहीं थे और इनका सर्कुलेशन आगे के समय में बंद ही कर देना था, तो ऑन दी फर्स्ट हैंड इन्हें लॉन्च ही क्यों किया गया? वेल, देखो, ये भी कोई इलॉजिकल डिसीजन नहीं था, बल्कि बड़ा प्लान्ड इनिशिएटिव था। अब देखो, UPI वाज लॉन्च्ड ऑन 11th of April 2016। 2016 का वो दौर एक ऐसा दौर था जब भारत के बहुत से हिस्सों में अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं आती थी। ऐसे में ऑनलाइन पेमेंट की बात ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो इनिशियल डेज में बहुत से लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से इसीलिए भी डरा करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पैसे कोई हैकर चुरा लेगा, और इसी इनसिक्योरिटी और डर की वजह से उस वक्त मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैश और चेक में ही हुआ करते थे। अब डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम। दुविधा ऐसी थी कि गवर्नमेंट ऑल ऑफ ए सडन बहुत सारे नोट भी नहीं छाप सकती थी, वरना इकोनॉमी के कोलैप्स होने का डर था। बट इस दुविधा की वजह से लोगों में पैसों की किल्लत कम कर दी जाए, इसके लिए सरकार ने निकाला 2000 रुपए के नोट। अब इस 2000 के नोट को हाई वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों की कैश डिमांड को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता था। और अगर गवर्नमेंट ने शुरुआत से ही ये सोच कर रखा था कि वो लोग 2000 के नोट की सर्कुलेशन आगे जाकर बंद कर देंगे, तो ये एक बहुत ही तगड़ा प्लान था। अब उस समय के माहौल और सिचुएशन को देखते हुए तो सरकार ने 2000 का नोट लॉन्च कर दिया था क्योंकि जनता में कहीं अफरा तफरी ना मच जाए और डिमांड और सप्लाई मेंटेन रहे। लेकिन सब कुछ बैलेंस होने के बाद धीरे धीरे पहले उन्होंने खुद इन नोटों की सप्लाई कम कर दी और फिर इन्हें पूरी तरह छापना ही बंद कर दिया, ताकि अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से वापस से सबको 500 के नोट पर ही सेटल होना पड़े। अब जो लोग इस मॉडल को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्हें पहले से ही ये पता था कि सरकार आगे जाकर पक्का 2000 का नोट बंद कर ही देगी। और काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही RBI के सर्कुलर में देखने को भी मिला। इस सर्कुलर में RBI ने लिखा कि अपनी क्लीन नोट पॉलिसी को देखते हुए वो 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से तो विड्रॉ कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका लीगल टेंडर खत्म होगा, यानी ये नोट बंद नहीं होंगे। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब से बैंक या किसी भी ATM में 2000 के नोट देने बंद कर दिए जाएंगे और जनता से अपील की जाएगी कि वो अपने 2000 के नोट बैंक में जमा करके उसके बदले 500, 100 या अलग अलग डेनोमिनेशंस के इक्विवेलेंट नोट्स ले ले। अब आपको इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ना चाहिए कि द 2000 रुपीज बैंक नोट्स विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर, यानी ये सिर्फ एक निर्देश है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई चाहे तो अभी भी 2000 के नोट से खरीदारी कर सकता है। रही बात अपने 2000 के नोट बैंकों में जमा करवाने की, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RBI ने इसकी ड्यू डेट 30 सितंबर तक की सेट करी है, यानी 30 सितंबर 2023 तक आपको जब भी समय मिले तब जाकर आप अपने 2000 के नोट जमा करवा सकते हैं, जिसमें से बैंक में डिपॉजिट करने पर तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप उस नोट के बदले दूसरे डिनोमिनेशंस के नोट लेना चाहते हैं तो इसकी डेली लिमिट 20,000 रुपए है, यानी फिलहाल के लिए आप एक दिन में सिर्फ 20,000 रुपए कैश ही एक्सचेंज करवा कर विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अपने पैसों को बैंक में डिपॉजिट करने पर कोई भी लिमिट नहीं है, बैंक में जितने पैसे डालने डाल दो। हाँ, यहाँ पर जिसके पास ब्लैक मनी है उसके लिए जरूर बहुत बड़ा दिक्कत है। अब देखो, सवाल ये आता है कि सरकार आखिर ये फालतू के फैसले लेती ही क्यों है? आखिर इस डिसीजन से कोई क्या ही बिगाड़ लेगा और क्या ही फर्क पड़ता है? वेल, फर्क पड़ता है, बताता हूँ कैसे। साल 2016 से ही सरकार का बहुत क्लियर माइंडसेट रहा है कि वो अपनी इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा कैशलेस बनाना चाहती है, ताकि सरकार के आंकड़ों में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और जो लोग काले धन को छुपाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं उनका पूरा कच्चा चिट्ठा सरकार के पास रहे, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट से टैक्स इवेशन ना किया जा सके। इसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाना जरूरी कर दिया, और ऐसे ही बहुत से कदम आए दिन लिए जा रहे हैं ताकि किसी के द्वारा खर्च किए गए एक एक रुपए की खबर गवर्नमेंट अपने पास रख सके और ये भी पता लगा सके कि आखिर उस इनकम का सोर्स क्या है। अब माना कि इससे अचानक तो बहुत कुछ नहीं बदल जाएगा, पर फिर भी थोड़ा बदलाव तो आएगा ही। नोट बदलवाने के लिए लोगों को बैंक तो जाना ही पड़ेगा, और देखो सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों को फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप करोड़पति ना हो या आपके पास ब्लैक मनी छुपा हुआ ना हो, और मुझे नहीं
लगता कि किसी के भी घर में इतने सारे 2000 के नोट मौजूद भी होंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए अपने घर पर 2000 का एक भी नोट नहीं मिला। हावेवर अभी की गाइडलाइंस के हिसाब से 30 सितंबर के बाद भी ये 2000 के नोट बैन नहीं होंगे और इनका चलन अभी की डिटेल्स के हिसाब से बंद नहीं होगा। यानी ये किसी भी तरह की नोटबंदी नहीं है, बस एक नॉर्मल नोटिफिकेशन है जिसके जरिए RBI कहीं ना कहीं ये जताना चाहती है कि जो लोग भी 2000 का नोट रख रहे हैं वो आगे आने वाले सख्त कदमों के लिए तैयार हो जाए। हालांकि आपके हिसाब से क्या इस तरह के फैसले सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट लाते होंगे या नहीं लाते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस पसंद है या नहीं पसंद है वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और तब तक के लिए जय हिंद।